यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो है हम ये करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो सिंप्लीफाई हो सकती है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद जो है हम देखें, हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इसमें से हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो हम जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा वन, और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करें तो कॉस स्क्वायर थीटा वन से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। अब हमको पता है कि हमारे पास जो है वो फार्मूला है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसके बाद हमको पता है कि ये जो कोसेक थीटा होता है, ये वन अपॉन साइन थीटा होता है। तो अगर हम बोथ साइड्स की स्क्वायरिंग कर दें, तो कोसेक थीटा आपका हो जाएगा, कोसेक थीटा का स्क्वायर ले लेंगे और इस साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि वन अपॉन साइन थीटा का भी स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। तो कोसेक थीटा का स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें, इसके अलावा हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड्स की, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा का स्क्वायर जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे कॉस अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस का स्क्वायर जो है कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, और हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड आ गई है।